हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे अकोला में दो हॉस्पिटल है। एक हॉस्पिटल में हम मनोविकार और व्यसनी जो लोग हैं उनको रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करके उनका इलाज करते हैं, और दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ मनोरुग्ण तथा व्यसनी जो लोग हैं उनको बिना रिश्तेदार भर्ती करके उनका इलाज हम करते रहते हैं। वो लॉन्ग स्टे ट्रीटमेंट हॉस्पिटल है। हम ऐसे काउंसलिंग भी करते हैं। पूरे हमारे भारत देश से लोगों के फ़ोन आते रहते हैं, लोग काउंसलिंग चाहते हैं, लोग फ़ोन के ऊपर हमारी सलाह लेते हैं कि उनको जो जो प्रॉब्लम वो डील कर रहे हैं, और वो प्रॉब्लम की वजह से उनको जो एंग्जाइटी आती है, उनको जो डिप्रेशन आता है, टेंशन आता है, घबराहट होती है, ऑब्सेशंस है, स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है, फोबिया है, उसके लिए लोग फ़ोन से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेके काउंसलिंग करते रहते हैं। हमारे पास में जो पेशेंट आते हैं उसमें काफ़ी सारा ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि 45-50 साल का व्यक्ति, उसको रिलेटिव लेके आते हैं, दो तीन डॉक्टरों के पास से घुमा फिरा के हमारे पास में आता है, बोलते कि भैया बड़बड़ कर रहा है, और ये क्या कर रहा है समझ में नहीं, क्या कह रहा है समझ में नहीं आ रहा है, और उनको एक पागल करके हमारे तरफ भेजा जाता है कि भाई ये पागल हुआ, ये क्या बोलता है समझ में नहीं आता। एक्चुअली होता क्या है कि वो पेशेंट को, वो पागल नहीं है, एक्चुअली हुआ क्या है कि उसका जो एक ब्रेन में, मतलब भेजे में, मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में एक एरिया रहता है, इसको बोलते हैं वर्निकेज एरिया या ब्रोकास एरिया, लेफ्ट साइड में रहता है, बाएं बाजू। तो बाएं बाजू का जो एरिया रहता है जहाँ से हम बात कर सकते हैं या बात समझ सकते हैं लोगों की, वो एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि वहाँ इन्फार्क्ट हो गया, जिसकी वजह से दाहिना हाथ और दाहिना पैर, मतलब राइट साइड, राइट अपर लिम, राइट लोअर लिम, ये दोनों भी लूज हो जाता है, इनको पैरालिसिस आ जाता है, और इसके साथ साथ उसकी बोली भी बंद हो जाती है। कुछ लोग इसमें से पूरे निकल जाते बाहर, मतलब उनका चलना फिरना एकदम ठीक शुरू हो जाता है, पैरालिसिस होने के बावजूद भी बाद में वो अच्छे हो जाते हैं, मगर इनकी बोली बंद हो जाती है। या कुछ लोगों का ऐसा होता है कि पैरालिसिस नहीं होता, वीकनेस नहीं आता, सिर्फ बोली बंद हो जाती, और हम क्या बोलते हैं उनको समझता नहीं, वो क्या बोलते हैं वो हमको समझता नहीं। मतलब इतना सिंपल है कि उनको बोलो कि हाथ ऊपर करो तो उनका हाथ भी ऊपर नहीं कर सकते, हालांकि हाथ में कोई खराबी नहीं है, मगर मैं समझो किसको बोलता हूँ कि आप आपका हाथ ऊपर करो तो वो हाथ भी ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो उनको समझता नहीं, सुनते बराबर है, उनको सुना ही आता कि कुछ तो भी बोले जा रहा है, फिर वो कुछ तो भी बात करते हैं, मतलब उनको जो लगता है वैसे वो बात करते रहते, वो बात में वर्ड ऐसे रहते कि हमको समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहे थे, और फिर उनको ठप्पा लगा जाता है कि ये मेंटल हो गया, ये पागल हो गया, और उसको हमारे तरफ भेजा जाता है। वहाँ एक्चुअली साइकियाट्रिस्ट की टेस्ट होती है, क्योंकि उसको यदि साइकियाट्रिस्ट ने ऊपर ऊपर देख लिया और कुछ बहकी बहकी बातें कर रहा है ऐसा समझ के उसको दवा लिख दे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जब उसको टेस्ट करते हैं तो मालूम पड़ता है कि ना वो अपनी बात समझता है, अपनी हम जो बात करते हैं वो समझता है, ना वो जो बात करता है वो हमको समझती है। कुछ कुछ लोगों को एकदम माइनर प्रॉब्लम रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, जैसा इश्चिमिया हो गया, थोड़ी देर के लिए ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गया और बाद में वो ठीक हो गया, और बाद में कुछ लोगों को फिर कॉम्प्लिकेटेड कमांड जो है, मतलब ज़्यादा क्लिष्ट कमांड जो है ना, वो उनको समझती नहीं है। जैसा समझो मैंने उसको बोला कि भाई अपना दाहिना हाथ पकड़ो और वो बाएं कान से, मतलब बाएं कान की तरफ लेके जाओ, राइट राइट हैंड, कि दाहिने हाथ से बाया कान पकड़ो, उसको समझता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, उसको हाथ समझता है, उसको बाया कान समझता है, मगर दाहिने हाथ से बाया कान पकड़ो ये कॉम्प्लिकेटेड कमांड समझती है, मतलब इतना वो ग्रास्प नहीं कर सकता। तो सब ब्रेन का प्रॉब्लम रहता है, और वो काफ़ी पेशेंट हमारे पास में आ रहे थे कि जो बातचीत नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे, और लोग हंसते रहते हैं, उनको ये समझता नहीं कि अपने ऊपर लोग क्यों हंस रहे, क्योंकि ये भी समझना है, मतलब समझता नहीं कि अपन जो बोल रहे हो लोगों को समझता नहीं है, और बाकी उनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, बाकी एकदम नॉर्मल रहते हो। तो ऐसे इसमें उनको सीटी स्कैन करवा के या जरूरत पड़े तो एमआरआई करवा के उनका ठीक निदान करना, डायग्नोस करना, और उसके लिए फिर स्पीच थेरेपी उनको देना, कुछ दवाई देना कि जिसके वजह से वो ब्रेन सप्लाई फिर से ठीक हो सकता है, क्या उसकी कोशिश करना है, और फिर नॉर्मल स्पीच यदि आता है तो बहुत ही अच्छा है, और वो स्पीच उनको आने के लिए मदद करना। कुछ कुछ लोगों के लिए ज़्यादा डैमेज नहीं रहा, एकदम काफ़ी कुछ सेकंड के लिए यदि ब्रेन का ब्लड सप्लाई निकल गया होगा और ज़्यादा डैमेज नहीं रहा, तो वो धीरे धीरे अच्छे हो जाते हैं और कम्प्लीटली नॉर्मल उनका स्पीच आ जाता है।
मगर कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा डैमेज यदि है लेफ्ट साइड में तो काफ़ी दिनों के लिए, मतलब हो सकता है लाइफ टाइम वो बात ही नहीं कर सकते या बात समझ नहीं सकते। तो ऐसा ये अफेजिया नाम की बीमारी है जिसमें सुडोमेंटल पेशेंट, उसको कहा सकते हैं हम, कह सकते हैं सुडोमेंटल, कि भाई उनको गलत तरीके से डायग्नोस करके फिर वो प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसे पेशेंट जरूर होंगे कि जिनको हम बोलते कि वो पागल है या वो कुछ दिन बहके बहके बातें कर रहा है, एक्चुअली उनका ब्लड सप्लाई जो भेजेगा वो निकल गया है। तो हो सकता है कि ऐसे पेशेंट काफ़ी होंगे कि जिनको आपके आसपास भी हो सकते हैं। जरूर ये वीडियो लोगों को शेयर करो ताकि लोगों का एक अवेयरनेस हो जाए। हम जो वीडियो डालते हैं काफ़ी सारे वीडियोस, वो मेंटल हेल्थ लोगों के, मतलब मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को जानकारी हो, उसके बारे में अवेयरनेस, एजुकेशन, उसके लिए हम काफ़ी सारे वीडियोज़ डालते हैं, काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं। तो लोगों को जरूर शेयर करो ताकि एक मेंटल अवेयरनेस लोगों में हमारे देश में पूरे आ जाए कि भाई क्या होता है, बीमारी क्या होती है, और उससे फिर लोग उसका फ़ायदा लेके कंसल्ट कर सकेंगे अपने अपने डॉक्टर को और ठीक हो सकते हैं। तो आपको अच्छा लगा तो जरूर ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक ग्रुप के ऊपर शेयर करो, ताकि हमारा जो उद्देश्य है कि मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और एडिक्शन फ्री इंडिया, व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।